सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और दबाइए बेल आइकन ताकि आप पास के हमारी आने वाली वीडियो बढ़े आसानी से। हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहतास निमी और आप सभी का स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल निमीजी नेट पर। दोस्तों आज हम जानने वाले हैं कि एनटी नेट की जो ऑफिशियल ऐप है उसको हम किस तरह से यूज कर सकते हैं और उसमें जो मॉक टेस्ट दिए हुए हैं उनको हम किस तरह से कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को आप पूरा देखना और ध्यान से देखना। और दोस्तों हमने भी अपनी जो ऐप है निमीजी नेट ऐप उसको भी अपडेट कर दिया, उसमें भी काफ़ी तरह के फीचर आ गए हैं। तो अगर आप वो ऐप डाउनलोड करना चाहें निमीजी नेट की, तो उसका लिंक भी मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए दोस्तों अब हम जानते हैं कि एनटी नेट की ऑफिशियल जो ऐप है उसे किस तरह से यूज करेंगे और किस तरह से हम मॉक टेस्ट देंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं दोस्तों प्ले स्टोर के अंदर। वैसे इस ऐप का लिंक मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, इसलिए वैसे मैं आपको प्ले स्टोर में दिखा देता हूँ कि किस तरह से हमें करना है। यहाँ पे आपको एनटी नेट टाइप करना है। तो एनटी नेट टाइप करने से हमारे सामने काफ़ी तरह की ऐप आ जाएगी, लेकिन जो ऑफिशियल जो ऐप है वो दोस्तों ये है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यहाँ पे लिखा हुआ है। तो हमें केवल यही ऐप डाउनलोड करनी है और ऐप फेक ऐप है। और ये जो ऐप है दोस्तों ये हमारी ऐप है निमीजी नेट की, जो अपनी ऑफिशियल जो ऐप है वो ये अपनी ऐप है। तो हमें दोस्तों ये डाउनलोड करनी है, एनटी नेट स्टूडेंट की जो ऐप है ये हमें इंस्टॉल करनी है। अगर आपने पहले से इंस्टॉल कर रखी है तो इसे आप अपडेट कर लीजिए, अपडेट करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। उसके बाद हम इसे ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन के लिए बोलेगा। अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कर रखा है तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, और अगर आपने कर रखा है तो देखिए हम किस तरह से इसमें मॉक टेस्ट देंगे। देखिए इसमें हम साइड बार में ये जो दिया मेन्यू बार, इसमें हम क्लिक करेंगे और इसमें देखिए मॉक टेस्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद दोस्तों हमारे पास सामने ये एग्जाम आ जाए, इसमें हमें सेलेक्ट करना है कि कौन सा एग्जाम देना है। यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे यूजीसी नेट, और उसके बाद में हमारा जो पेपर फर्स्ट है उसे सेलेक्ट करें। अगर कॉमर्स आपका या कोई और है तो और सब्जेक्ट अभी इसमें अपडेट होने वाले हैं, अभी तक इसमें पेपर टू कॉमर्स ही डाला है। तो यहाँ पे हम पेपर फर्स्ट देखते हैं, तो पेपर फर्स्ट हमने सेलेक्ट कर लिया है। और यहाँ पे स्टार्ट मॉक टेस्ट पे हम क्लिक करेंगे। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे आती है दोस्तों को कि यहाँ पे हम अपना यूज़र नेम और पासवर्ड क्या डालें। देखिए दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि अपना जो यूज़र नेम पासवर्ड हम कुछ भी डाल सकते हैं। यहाँ पे आप किसी भी तरह की कोई भी मेल आई डी डाल सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर आपको डाल के दिखा देता हूँ। आपने पहले चाहे किसी भी तरह का कोई रजिस्ट्रेशन किया हो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर आप यहाँ पर किसी भी तरह की मेल आई डी डाल सकते हो और कोई भी पासवर्ड डाल के इसे लॉगिन कर सकते हो। देखिए मैं आपको लॉगिन करके दिखा देता हूँ। 1 2 3 4 5 6 ये मैंने लॉगिन कर दिया, और यहाँ पे देखिए ये देखिए ऐसा करने से हमारा लॉगिन हो गया। और यहाँ पे ये कह रहा कि आप रिमेम्बर करना चाहते तो इस पर, और ये देखिए हम रिमेम्बर कर लेते हैं, यानी कि इससे क्या होगा हमें बार बार लॉगिन नहीं करना पड़ेगा, ये हो गया हमारा। तो दोस्तों यहाँ पर यूज़र नेम और पासवर्ड आप कोई भी डाल सकते, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पे हमें अपने जो एग्ज़ाम है उसका लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है। अगर आप इंग्लिश में देना चाहे तो इंग्लिश, अगर हिंदी में देना चाहो तो हिंदी। यहाँ पे जैसे मैं हिंदी सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब देखिए हमारे सामने हिंदी के निर्देश आ गए, इन्हें आप पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं आपको मेन मेन चीज़ें बता देता हूँ कि इसमें इसने कहा है कि ये 60 मिनट का पेपर होगा और इसके अंदर जो टाइम है वो आपके ऊपर चलता हुआ दिखाई दे जाएगा आपको, ठीक है। और दोस्तों अभी मैं प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा, उसमें आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। अब देखिए यहाँ पे हमें टिक मार्क करना है और फिर इस पर प्रोसीड पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद देखिए दोस्तों हमारे सामने ये आ गया है, हिंदी में आ गया है, और ऊपर देखिए दोस्तों यहाँ पे ये टाइमिंग चल रही है। तो अब हमें क्या करना है दोस्तों, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें हमें ये पढ़ना है, पूरा का पूरा क्वेश्चन पढ़ना है और उसका हमें आंसर देना है। जैसे कि इसका जो आंसर है दोस्तों 3 आंसर आएगा। और उसके बाद देखिए दोस्तों हम सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर सकते हैं। अगर हमें कन्फर्म है कि इसका आंसर यही आएगा तो सेव एंड नेक्स्ट पे हम क्लिक कर सकते हैं। अब देखिए हमारे पास अगला क्वेश्चन आ गया है, तो इसे भी आप अच्छे से पढ़ के यहाँ पे इसका आंसर दे सकते हैं। जैसे कि मान के चलो इसका आंसर 1 है। तो अब देखिए दोस्तों अगर आपको बिल्कुल कंफर्म है तो ये ग्रीन वाला जो ऑप्शन है सेव एंड नेक्स्ट, इस पर क्लिक कर सकते हैं। और अगर आपको कुछ कंफ्यूजन है और बाद में आप देखना चाहते हैं इसे
तो ये दूसरे सेव एंड मार्क फॉर रिव्यू पे क्लिक कर सकते हैं और आप दोबारा से इसका आंसर देना चाहते हैं, जैसे कि मान के चलते हैं ऑप्शन नंबर ए हमने गलत दे दिया, तो क्लियर रिस्पॉन्स करके आप ऑप्शन नंबर टू पे भी क्लिक कर सकते हैं जो भी आपको अच्छा लगे। जैसे इसका आंसर ये है तो इस पर क्लिक करेंगे और लास्ट में मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट, इसका मतलब ये है कि इसका आंसर हम अभी नहीं देना चाहते, बाद में देना चाहते हैं, तो आप इस पर भी क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए अब अपना ये क्वेश्चन नंबर थ्री आ गया, इसमें भी आप दे सकते हैं। जैसे कि मैं मान के चलता हूँ इसका आंसर थ्री है, ये दे दिया हमने और सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया हमने। तो अब देखिए दोस्तों, जैसे कि हम मान के चलते कि इसका आंसर हमें नहीं पता, हम बाद में इसे देखना चाहते हैं, एक बार के लिए हमने इसका आंसर फोर दे दिया और फिर करते हैं सेव एंड मार्क पे क्लिक कर देते हैं। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। और इसमें देखिए, इसमें जैसे कि हम आंसर नंबर थ्री दे देते हैं इसका और सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं। तो दोस्तों इस तरह से मान के चलो हमने सभी क्वेश्चन के जवाब दे दिए हैं और बाद में भी हम जो रिव्यू के लिए छोड़े वो देख सकते हैं। अब देखिए मान के चलते कि हमने पूरा पेपर कर दिया, तो सबमिट पे क्लिक करेंगे। दोस्तों अगर आपने पूरा पेपर नहीं भी किया है तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपने 10 क्वेश्चन किए, 20 किए, 30 के, उनको देखना चाहते हो कि अपने कितने क्वेश्चन ठीक है, तो वो भी आप कर सकते हैं, किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा से ये टेस्ट दे सकते हैं। तो चलिए हमने यहाँ पे 5 क्वेश्चन किए हैं, तो 5 क्वेश्चन में देखते हैं हम कितने गलत है कितने सही है। अब इस पर हम यस पे क्लिक करते हैं और फिर इस पर ओके पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे अपना रिजल्ट देखते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये कह रहा है कि टोटल 50 क्वेश्चन है, 50 में से हमने 4 की हैं और 4 में से 4 के 4 करेक्ट है, और ये क्वेश्चन नंबर 2 का शायद हमने आंसर नहीं दिया था इसलिए ये दिखा रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों आप 10 क्वेश्चन भी करके देख सकते हैं, 20 भी करके देख सकते हैं, और सारे के सारे करना चाहो तो वो सभी के सभी क्वेश्चन भी यहाँ पे आप करके देख सकते हैं। और अगर आप बैक आना चाहे तो बैक आ सकते हैं, और दोबारा से ये टेस्ट देना चाहे तो दोबारा से यहाँ से इस तरह से करके ये पेपर फर्स्ट सेलेक्ट करके यहाँ से दे सकते हैं। और सॉरी दोस्तों, यहाँ पे हमें दोबारा से लॉगिन करना पड़ेगा, तो यहाँ पे आप दोबारा से लॉगिन करके यहाँ पे अपना टेस्ट दे सकते हैं। इंग्लिश में देना चाहिए इंग्लिश में, हिंदी में देना चाहिए हिंदी में। तो दोस्तों ये बिल्कुल आसान है, बिल्कुल ईजी, यहाँ से आप इस तरह से कर सकते हैं। तो दोस्तों आप इस टेस्ट को करके देखिए, आपको बहुत मज़ा आएगा और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और अगर दोस्तों आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट बॉक्स के ज़रिए बता सकते हैं कि हमें इस ऐप में ये प्रॉब्लम आ रही है। और दोस्तों एक बात और मैं आपको बता दूं कि हमने अपनी ऐप भी लॉन्च कर रखी है UGC नेट के लिए, इसमें भी बहुत सारे अच्छे अच्छे फीचर हैं, तो इस ऐप को भी आप ज़रूर इंस्टॉल करना। इसमें आपको पेपर फर्स्ट और सेकेंड का फ्री स्टडी मटेरियल और बहुत कुछ देखने को मिलेगा। तो एक बार आप इस ऐप को भी इंस्टॉल करके देखिए, अगर आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है तो हमें ज़रूर बताइए। थैंक यू दोस्तों।